तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिना तेज प्रताप के वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे छोटे भाई की इस धमकी को सुनते ही तेज प्रताप का दिल पिघल उठा उन्होंने फोन करके तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी है साथ ही कहा है कि मैं घर लौटने को तैयार हूं अगर मेरी कुछ शर्तों को मान लिया जाता है तो एक निजी चैनल से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी छोटी सी बात अगर माता पिता मान लें तो वे घर लौट आएंगे मेरी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने तलाक की जो अर्जी फाइल की है उस पर परिवार साथ दे वे पत्नी ऐश्वर्या की मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं हैं तेज प्रताप फिलहाल वृंदावन में घर परिवार की शांति के लिए शत्रु हंटा यज्ञ करा रहे हैं उन्होंने फ़ोन करते तेजस्वी को आज जन्मदिन की बधाई दी है दोनों भाइयों में लंबी बातचीत हुई है सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी ने बड़े भाई को बहुत समझाया उन्हें परिवार वालों की हालत से अवगत कराया संभव है इसका असर तेज प्रताप पर पड़े और कोई शुभ समाचार मिले हालांकि उन्होंने फिलहाल घर वापसी से इनकार कर दिया है वे चाहते हैं कि घर वाले पहले उनके तलाक की बात मान लें तब वे लौटेंगे मायूस कार्यकर्ता नहीं मना पा रहे तेजस्वी का जन्मदिन संकट की इस घड़ी में राजद कार्यकर्ता भी मायूस हैं। शुक्रवार को लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर मायूस कार्यकर्ता इसकी प्लानिंग नहीं कर पा रहे जगह जगह जन्मदिन की बधाई के बड़े होर्डिंग तो दिख रहे हैं पर आयोजन स्थल नहीं बताया जा रहा कार्यकर्ताओं द्वारा हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाले इस अवसर पर इस साल तेज प्रताप का ग्रहण लगा है उनको अंदेशा है कि तेजस्वी शायद ही ऐसे किसी समारोह में शरीक हो